आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम कल दोपहर 12:30 में होगी जारी। बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने दी जानकारी। खगड़िया में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 2 साल के मासूम बच्चे की छत की सीढ़ी से गिरकर मौत। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुर निवासी मयंक के रूप में हुई है। मुकामी किशोरी की जलाकर हत्या, आरोपी फरार। इलाके में तनाव का माहौल। गोपालगंज में फायरिंग में घायल बेटे की भी मौत। तेजस्वी ने किया ट्वीट, कहा हत्याकांड में जेडीयू विधायक शामिल। बिहार की बेटी ज्योति से राबड़ी और तेजस्वी ने की बात, किया मदद का वादा। बेगूसराय गंडक नदी में डूबे 3 बच्चे, नहाने के दौरान बड़ा हादसा। बिहार में तेवर दिखा रही गर्मी, मौसम विभाग का अनुमान कल पारा पहुंचेगा 44 डिग्री के पार। बांका में राजद विधायक पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने की जमकर मारपीट। चिराग पासवान ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, बिहार की बहादुर बिटिया को साहसिक पुरस्कार से सम्मानित करने का किया अनुरोध। मोतिहारी में सड़क हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों की स्पॉट डेथ। क्वारंटीन सेंटर से चुपके से भाग रहे थे ससुराल। बक्सर में डुमराव विक्रमगंज रोड को प्रवासियों ने किया जाम, लग गई गाड़ियों की लंबी कतारें। पटना में 20 दिन के बच्चे ने कोरोना को हराया, गले से लगाकर रो पड़ी माँ। क्वारंटीन सेंटर में बद इंतजामी देखकर भड़के प्रवासी मजदूर, 4 घंटे तक सड़क पर ही बैठे रहे। बिहारी मजदूरों का चेहरा बने राम पुकार से, तेजस्वी ने की बात, नौकरी देने का भरोसा और जज्बे को किया सलाम। 2 महीने के बाद रांची से विमान शुरू, एयर इंडिया व गो एयर की सेवाएं रद्द रही। झारखंड में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 377। रांची में 115 में से 100 मरीज हुए स्वस्थ। झारखंड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक 28 मई से शुरू होगा मूल्यांकन। गुजरात से लौट रहे दुमका के प्रवासी मजदूर की बस में मौत, यात्री भागे। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जेडीयू विधायक की जिला परिषद अध्यक्ष भतीजा और बड़े भाई कुख्यात सतीश पांडे गिरफ्तार। बांका जिले के क्वारंटीन सेंटर के प्रवासियों ने विधायक के साथ की हाथापाई, बॉडीगार्ड से हथियार छीनने का किया प्रयास। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।